हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं पिक्चर एनिमेशन के बारे में कि आप किसी भी सर्कल पर आप अपनी पिक्चर को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज के लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आप अपने एक दायरे के ऊपर आपने पिक्चर को किस तरह से एनिमेट करना है, और जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाएं या क्लिक ना करें तब तक जो है ना कह लें कि वो पिक्चर्स हमारे पास एनिमेट होती रहें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद शेप के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सर्कल पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने एक दायरा यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब दायरा क्रिएट कर लेने के बाद आपने दायरे को बिल्कुल पेज के सेंटर में रखना है। तो सेंटर में लाने के लिए आपने अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, अलाइन टू स्लाइड करेंगे, फिर इसको अलाइन टू मिड और अलाइन टू सेंटर कर लेंगे। अब ये आपका जो दायरा है, ये सर्कल जो है, ये बिल्कुल पेज के सेंटर में है। फिर आप इसकी कॉपी बनाएंगे। आपने सबसे पहले इस शेप पर क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद क्लिक कर देना है यहाँ पर, तो आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और शिफ्ट के साथ क्लिक करते हुए आपने इसको रिसाइज करना है। उसके बाद हम इसका फिल कलर रिमूव करेंगे। तो आपने शेप पे आना है, शेप पे क्लिक करने के बाद आपने नो फिल पे क्लिक करना है और उसकी आउटलाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन का पहले साइज चेंज करें और फिर उसके बाद आउटलाइन का यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी पिक्चर्स हैं वो दायरे की शक्ल में यहाँ पर मूव होती रहें, तो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक शेप ये वाली है। आप शेप का साइज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने शेप का साइज थोड़ा सा कम कर लिया और फिर उसके बाद हम इसमें पिक्चर फिल करने वाले हैं। अब पिक्चर फिल करने के लिए आपने शेप पे आना है, फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एनीवन कोई भी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ एक और इस शेप की कॉपी बना लेते हैं। अब इस शेप में हम कोई और पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो आपने शेप पे आना है, दोबारा पिक्चर पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और इस शेप के अंदर हम कोई दूसरी पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे इस पिक्चर पे इस शेप पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसको बिल्कुल पेज के सेंटर में ले आते हैं, दायरे के सेंटर में लेके आते हैं और पेज के सेंटर में लेके आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि इसकी पिक्चर हमने इसमें चेंज करनी है, तो आपने शेप फिल पे आना है और उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी दूसरी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने एक और कॉपी क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने शेप पे आना है। शेप पे क्लिक करने के बाद पिक्चर फिल पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और उसमें एनीवन कोई भी दूसरी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह देखिए आप यहाँ पे चार पिक्चर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपने एनिमेशन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने एनिमेशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने शेप्स पे क्लिक करना है। जैसे हम शेप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका शेप की तरफ जैसे ये मूव कर रहा है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करने से दायरे के मुताबिक एडजस्ट करें, ये इस तरह से और इस तरह से। अब ये देखिए जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल लाइन के ऊपर मूव कर रही है, एनिमेट हो रही है हमारे पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करें, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करें और आपने दूसरी पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। आपने एनिमेशन अप्लाई करते वक्त एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप एनिमेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे विद प्रीवियस और उसके बाद ड्यूरेशन आप यहाँ पर 2 सेकंड देंगे। फिर आप उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, एनिमेशन पर आना है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसी दायरे को बिल्कुल हमने वैसे सेट करना है जैसे कि हमने उसको सेट किया था पहले वाली पिक्चर पे, ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रोटेट के आइकन पे क्लिक करके आपने इसको रोटेट कर देना है यहाँ तक। अब देखें जैसे ही हम यहाँ पे विद प्रीवियस और 2 सेकंड हमने जो अप्लाई किए हुए हैं, जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ये दोनों पिक्चर आपकी एक साथ मूव हो रही हैं। इसी तरह से आपने दोबारा इस पिक्चर पे क्लिक करना है, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने एनिमेशन की आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करके आपने इसको एडजस्ट करना है इस जगह और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे इसको रोटेट कर लेना है इस जगह और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। आप देखिए तीनों पिक्चर एक साथ मूव हो रही हैं। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और आपने इस जगह क्लिक करना है और एनिमेशन की आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, इसको आपने एडजस्ट करना है इस तरह से ये, और उसको रोटेट कर लेंगे आप यहाँ तक। रोटेट करने के बाद जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये चारों पिक्चर आपकी मूव हो रही हैं। अब उसके बाद इसकी आप स्पीड कम करना चाहते हैं या उसके बाद आप देखें जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं देखिए पिक्चर इस तरह से
मूव हो रही हैं। हम चाहते हैं पिक्चर जो है ना कंटिन्यूसली ये मूव होती रहे हमारे पास, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पैनल पे जाना है और फिर उसके बाद आपने ये देखिए फर्स्ट एनिमेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, चारों शेप्स और एनिमेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने फर्स्ट पे आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइमिंग पे, और टाइमिंग यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे विद प्रीवियस है। उसके बाद टाइमिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं 3 सेकंड, 3 सेकंड कर लें या 4 सेकंड कर लें, 3 सेकंड फिलहाल हम इसे कर रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, कि जब तक स्लाइड का एंड ना हो तब तक ये एनिमेट होती रहें। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है, जैसे आप देखें ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं, देखिए ये एनिमेशन, देखिए ये जो जिस पे हमने अप्लाई किया है वो एनिमेट हो ही रही है हमारे पास, बाकी नहीं हो रही। इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बाकी तमाम सर्कल्स पे या पिक्चर्स पे आपने वो एनिमेशन अप्लाई करनी, वो इफेक्ट आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर दोबारा आपने राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे आपने आना है, फिर इसके बाद आपने टाइमिंग पे आना है और उसके बाद टाइमिंग आप यहाँ पे करेंगे इसमें 3 सेकंड और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ऑफ स्लाइड और से ओके करेंगे। फिर दोबारा आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने टाइमिंग पे आना है और उसके बाद यहाँ पे 3 सेकंड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अनटिल एंड ऑफ स्लाइड और ओके क्लिक करें। फिर हम चौथी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है आपने, इफेक्ट ऑप्शन पे आना है और उस पर टाइमिंग पे आएंगे और यहाँ पे 3 सेकंड टाइमिंग अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने क्लिक करना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। और उसके बाद आप देखिए अब जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो ये देखें चारों पिक्चर आपकी मूव हो रही हैं। अब देखिए पिक्चर यहाँ पे थोड़ी देर स्टॉप हो के फिर आगे जो है ना मूव हो रही है। हम चाहते हैं कि पिक्चर कंटिन्यूसली मूव होती रहे, ये दरमियान में स्टॉप ना हो। स्केप का बटन प्रेस करते हैं, नॉर्मल मोड में वापस आते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने शेप की उसी पिक्चर के ऊपर उसी क्लिक करेंगे, फिर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे और इफेक्ट आप यहाँ पे कर लेंगे स्मूथ स्टार्ट। इन सबको आपने 0 सेकंड पे सेट करना है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें इस पिक्चर पे, राइट क्लिक और उसके बाद इफेक्ट ऑप्शंस, फिर यहाँ पे इसको स्मूथ कर लें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें थर्ड पिक्चर पे, राइट क्लिक, इफेक्ट ऑप्शन, फिर आपने इसे स्मूथ कर लेना है यहाँ पे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक, इफेक्ट ऑप्शन एंड स्मूथ से कर लेना है। अब ये पिक्चर्स आपकी जो मूव हो रही है दरमियान में नहीं रुकेंगी, ये कंटिन्यू आपकी एनिमेट होती रहेंगी। जब तक आप नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जाएंगे तब तक ये स्लाइड एनिमेट होती रहेगी। स्किप का बटन प्रेस करते हैं, नॉर्मल मोड में वापस आते हैं। अब आपने क्या करना है कि लास्ट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है तमाम पिक्चर्स पे शिफ्ट के साथ और फिर आपने इस पर कोई शेड वगैरह अप्लाई कर लें। तो शेड अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे आने के बाद आपने शेप इफेक्ट पे आना है और ये हमारे पास शेप इफेक्ट्स है हमारे पास। इस तरह कोई इफेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से जब भी F5 प्रेस करें ये देखें इस तरह से हमारे पास इसका शेडो भी आ रहा है और ये एनिमेट भी हो रहा है। अब उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, अपना ये जो वाइट कलर की आउटलाइन है इसको आपने रिमूव करना है, इस दायरे को आपने डिलीट कर देना है। एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, खाली जगह क्लिक करते हैं और उसको डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्शन पैनल पे आना है। अब देखिए आपके पास एक दायरा तो हमारे पास देखें ये वाला है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये लास्ट वाला है। तो लास्ट वाली शेप को आप यहाँ से सेलेक्ट करें या तो इसको आप यहाँ से हाइड कर लें, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे ये देखिए इस तरह से मूव होता जाएगा। अगर आप इसके परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करके यहाँ से आप इसे डिलीट कर दें और ये आपके पास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप जैसे कीबोर्ड से आप F5 प्रेस करेंगे ये आपकी जो स्लाइड है इस तरह से एनिमेट होती रहेंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।